सुर सागर दे सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी काव्या होमो क्लीनिक तो मीता जी आए हुए ने, अज असी उन्हां दे नाल गलबात करांगे। इन्हां दा अज सुर सागर स्टूडियो दे विच स्वागत है। तो मीता जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच अवतार जी। तो SSTV देखने वाले सारे ही व्यूअर्स नूं मेरे वालों प्यार भरी तनिक्की सत श्री अकाल। हाँ जी, अज दे इस प्रोग्राम दे विच असी मीता जी दे कोलों पुछांगे कि बच्चों के स्कूल जाण दे जदों शुरुआत दे विच की प्रॉब्लम्स आउंदियां ने। कई बच्चे जिहड़े 4 साल दे ने उह बोल नहीं सकदे या कोई तुतलांदे ने उह गल समझ नहीं आउंदी। ते कईआं नूं क्योंकि आपां सारीआं कंट्रीज़ तों इत्थे बच्चे आए हुए ने, ते कईआं नूं बोलण दी वी मतलब प्रॉब्लम हैगी है, जिन्हां नूं बोली अपने अपने मुल्क दी बोलदे ने, ते उहनां लई वी की कुछ हैगा ते की प्रॉब्लम्स आउंदियां ने जिहड़ियां कि उहनां दे पेरेंट्स नूं उहनां अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। ते उहदे बारे अज असीं इहनां दे नाल गल करांगे ते देखदे आं इह उहनां दा की उपचार दसदे हैगे ने। हांजी जी बिल्कुल अवतार जी। सो स्कूल का टाइम आ गया है, वापस स्कूल जाना है बच्चों ने। जो बच्चे पहली बार स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक प्रॉपर बोलना नहीं सीखा है, तो कई बार पेशेंट्स पेरेंट्स जो हैं ये कंसर्न लेके बच्चे को आ रहे हैं कि अभी तक उसने बोलना शुरू नहीं किया, 3-4 साल का हो गया है लेकिन प्रॉपर उसकी स्पीच डेवलप नहीं हुई है। सो स्कूल एज में आने तक, जब तक आप कह लें 4 साल के एज में नॉर्मली स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, तब तक उसकी नॉर्मल जो स्पीच या फ्लुएंट स्पीच जो है हम बोलते हैं वो आ जानी चाहिए। अब इसकी शुरुआत आप देखेंगे कि जब बच्चा बोर्न होता है, उसके बाद आप देखें कि 6 मंथ्स से लेके करीब करीब 1 साल की एज तक 6 माह का हो जाता है, 4-6 महीने में ही बैबलिंग शुरू कर देता है ना, कि बाबा दादा मामा ऐसे वर्ड्स निकालना जो है वो स्टार्ट कर देता है ये एज ग्रुप में। जब ये बच्चा 1 साल के करीब का होता है तो वो कुछ वर्ड्स बोलना, एक एक वर्ड सिंगल सिंगल वर्ड्स बोलता है, कुछ जॉइन करके एक सिंपल सा सेंटेंस भी बनाने लगता है 1 साल की एज में। 1 से 1.5 साल आप कह लें कि तब तक जाके 50 to 100 वर्ड्स की वोकेबुलरी जो है उसकी डेवलप होने लगती है और थोड़े बड़े सेंटेंसेस बनाना वो स्टार्ट कर देगा। 2 साल की एज का जब ये बच्चा होता है ना, तब वो सिंपल सेंटेंस जो नॉर्मल स्पीच में के ये चाहिए वो चाहिए मांगना है सारा कुछ उसका स्टार्ट हो जाता है, सारा कुछ वो एक्सप्लेन कर पाता है कि वो क्या बोलना चाहता है क्या बताना चाहता है। एंड 2 से 2.5 साल की एज में आप कह लें 3 साल के अंदर अंदर प्रॉपर फ्लुएंट स्पीच जो है वो डेवलप हो जाती है। सो अगर आपके बच्चों की एज जो है 3 साल की हो गई है, अभी तक बोलना जो है प्रॉपर नहीं हुआ है, या कई बार जो डिलेड स्पीच है कि प्रॉपर वो जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं लेकिन उसको किस तरह बोलना एक्सप्रेस करना पता नहीं चलता है, तो क्या होगा उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी। स्कूल जाएगा, दूसरे बच्चों से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा कि टीचर के साथ बात नहीं कर पाएगा, तो उसको फ्रस्ट्रेशन होगी, इन्फीरियरिटी फील होगी, एंग्जाइटी इश्यूज आने फिरना शुरू हो जाते हैं। सो अक्सर बच्चों पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है कि ऐसे में क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ स्पीच को इम्प्रूव किया जा सकता है। हाँ जी बिल्कुल किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या होगा कि कई बार बर्थ के टाइम देखना पड़ता है कि बेबी की बर्थ हिस्ट्री बच्चे की क्या है। अगर फोर्सेप्स के साथ डिलीवरी, मेरे पास कुछ टाइम पहले कुछ साल पहले एक इस तरह का केस आया था कि फोर्सेप्स से डिलीवरी हुई एंड वो जो प्रेशर पड़ता है फोर्सेप्स का, जिसको ब्रोकास एरिया कहते हैं, हमारे ब्रेन में ये जो एरिया है वो स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। अब फोर्सेप्स पे करके डिलीवरी करके वहाँ पे प्रेशर आ गया उस हिस्से में और वो बच्चे ने बोलना ही उसका नहीं हो पाया, काफ़ी लेट हुआ उसका जो है स्पीच डेवलपमेंट। सो अक्सर ये हिस्ट्री है। सेरेब्रल पॉल्सी के साथ डेवलपमेंटल इश्यूज आ रहे हैं कई बार बच्चों में, ऑटिज्म वगैरह की प्रॉब्लम जो आती है। अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में काफ़ी वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स होते हैं कि अटेंशन नहीं है, वो टिक के कई बार बच्चे इतना भागते रहते हैं ना, हाइपर एक्टिव भी बच्चे हैं। अब नॉर्मली क्या होगा कि जब हम कुछ बोलते हैं तो जो बच्चा है माँ को देखता है,
कि उससे वो सीखता है कि उसके लिप्स की मूवमेंट किस तरह हो रही है, कि ये मेरे सामने जो है वो किस तरह बोल रहे हैं। अब ऐसे में जिनको हाइपर एक्टिविटी है, ये बच्चे इतना फोकस ही नहीं कर पाएंगे कि वो टिक के बैठ ही नहीं सकते हैं, ना तो वो फोकस कर पाएंगे, तो ऐसे में उनको फिर ये सारी लर्निंग में जो है वो पीछे रह जाते हैं एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज आनी शुरू हो जाती है, उनकी स्पीच जो है वो डिले होती जाती है। इसमें उसके इसका मतलब है शुरू में ही पेरेंट्स को घर से उनकी तैयारी करवानी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, पहुंचने से पहले, हाँ स्कूल जाने से पहले उन्हें थोड़ी बहुत पेरेंट्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और देखिए कई बार क्या होता है ना कि हम ऐसा कह के इग्नोर कर देते हैं कि इसके डैड ने भी, इसके डैडी ने लेट एज में सीखा था तो ये भी लेट बोलेगा, ऐसा कर करके कई बार हम इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन कई बार कंसर्न भी, कारण भी कुछ और हो सकता है कि अभी तक उसने बोलना स्टार्ट नहीं किया है, और अल्टीमेटली ये बच्चा फिर स्कूल में सारा कुछ लेट सीखेगा, उसको ये फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, और कोई इश्यूज़ भी साथ में हो सकते हैं। तभी अगर वो प्रॉपर बोल नहीं पा रहा है तो छोटा है करके इग्नोर मत करें, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करवाना, आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर को दिखाना जो है ना वो ज़रूरी बन जाता है। ब्रेन इंजरी हो गई कभी, कुछ ऐसे एक्सीडेंट हुआ था, चोट लगी थी, यू नो काफ़ी सारी कंडीशन है जिस करके स्पीच जो है वो डिले हो सकती है। तो कई बार स्पीच डेवलप होती है कि वो बोलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसके साथ जो है स्टटरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। अब स्टटरिंग में क्या होगा कि दे नो कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, ये बच्चों को अक्सर पता होता है, लेकिन बोलते वक्त वो स्टटर करते हैं, बीच बीच में जैसे पोज सा आ जाता है कि कुछ बोलना चाहे एकदम से बीच में पोज आ गया, फिर वापस वो बोलते हैं इस तरह का, और उसके साथ उनकी एंग्जाइटी बढ़ती जाती है। कई बार जो कहना चाहते हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, दूसरे बच्चे भी स्कूल में हैं तो वो भी कई बार मजाक करेंगे उनका, तो ये इश्यूज जो है आने शुरू हो, उससे पहले ही जो है आपने ख्याल देके इस चीज़ का कितना इसको सही किया जा सकता है उसके बारे में जो है आपने ट्राई करनी है। कई बार ये बच्चे जो है स्टैमर करते हैं कि बोलना है पता है, लेकिन वो सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले ही पोज आ जाता है कि वो वर्ड्स जो है मुँह से निकल ही नहीं पा रहे हैं, एक पोज देके फिर वो चीज़, वो वर्ड्स जो है मुंह से निकलना स्टार्ट होते हैं, जिसको हम स्टैमरिंग कहते हैं। और इसके साथ कई बार वो सेंटेंस बाहर नहीं आएगा, वो वर्ड्स बाहर नहीं आते हैं, उसके जो जो है उसके मसल्स टाइट हो जाते हैं, क्लेंचिंग हो जाती है, इसके साथ आइज ब्लिंक करना, शोल्डर श्रगिंग जिसको हम टिक्स कहते हैं, मोटर टिक्स हैं, वोकल टिक्स हैं, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकलना, ये सारी चीज़ें इस कंडीशन के साथ पाई जाती है। अब कई बार ऐसे होता है कि ये सिर्फ स्पीच की प्रॉब्लम नहीं होती है, यहाँ पे कारण जो है कहीं पे उसके ब्रेन में है कि कोई और कंडीशन है, ऑटिज़म है या हाइपर एक्टिव ADD, ADHD जिस बच्चे को कहा जाता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है जिस करके वो आज तक किस तरह बोलना, उसकी स्पीच वोकेबुलरीज जो है वो डेवलप नहीं हो पा रही है। So, इसमें से कोई भी कंसर्न जो है इस बच्चे को हो सकता है। So, जितना जल्दी आपको पता लगता है और आप जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, उतना जल्दी उसको बेनिफिट हो पाएगा। इसमें आप होम्योपैथिक की जो दवाई है उससे ये बच्चे जो तुतलाते हैं, हाँ जी, उनका भी इसमें आपके पास उपचार है? जी बिल्कुल, तो ऐसे में हम रेकमेंड करते हैं क्या, जैसे कि स्पीच थेरेपी है वो भी आप साथ में कर सकते हैं, हमारा ट्रीटमेंट भी जो है आप साथ में ले सकते हैं, और क्या क्या करना चाहिए उसकी कंडीशन के हिसाब से वो प्रॉपर टाइम पे आपको गाइडेंस मिलता है, जिस करके आप उस बजाय कि आप टाइम वेस्ट करें उस जगह पे आप आगे बढ़ेंगे, ताकि जल्द से जल्द जो है उसकी स्पीच इम्प्रूव हो, उसको जितना हो सके बेनिफिट हो। और कुछ एक चीज़ें इस तरह की होती है कि आप जल्दी एज में स्टार्ट करते हो ट्रीटमेंट उसका, तो वो आपको मैक्सिमम बेनिफिट देता है इस बच्चों को। सो तभी उसका, जिन लोगों को ये कंसर्न है, टाइम से ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, ये मैं ज़रूर कहूँगी। हाँ जी, क्योंकि बहुत बढ़िया बातें आपने ये बताई, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है किसी बच्चों को कोई गिर गया या कोई चोट ऐसी लगी वो ठीक हो गया, तो हम लोग सोचते हैं कि ये ठीक हो गया जी, लेकिन वाकई में उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ जी, दवाई चाहे होम्योपैथिक की है या आप डॉक्टर से लेते हो, एलोपैथिक की है, लेकिन दिखाना ज़रूर चाहिए, पता लगे कि उसमें वो बीमारी
या जो चोट लगी है उसका उस पर असर है या नहीं। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि उसी वजह से बच्चे फिर लेट हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं बोलने में, पढ़ाई में, सारे में लेट होते जाते हैं। और ऐसे ही कंसर्न जो दूसरे आ रहे हैं अवतार जी, वो है एक बच्चों में, वो है नींद का प्रॉब्लम, कि कई बार स्कूल स्टार्ट होने के साथ ही के बच्चों की नींद सही नहीं है, तो उसको किस तरह सेट किया जाए या उस करके क्या जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसकी लाइफ में। अब स्लीप, नींद इस तरह की चीज़ है कि जैसे हमारी बॉडी के लिए खाना ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, तो उसी तरह नींद भी इतनी ही ज़रूरी है। अब ये स्लीप की जो पैटर्न है, कई बार ऐसे होता है कि वो लाइक बिना वजह, कि आप कह लें कि इसमें जो डिप्रिवेशन होगा स्लीप का, तो उससे काफ़ी सारी हेल्थ पे एडवर्स इफ़ेक्ट आएगी। ये जो स्लीप की पैटर्न है, कई बार बच्चे खुद से ही वॉलंटरीली उसको डिस्टर्ब कर लेते हैं। किस तरह? तो देर रात तक उनको होमवर्क करना है, देर रात तक आप कह लें कि किसी भी फ़ोन लेके बैठ गए हैं, टीवी वॉच कर रहे हैं, सो वो जैसे जिसको वो अवॉइड कर सकते हैं चीज़ें, लेकिन अवॉइड करना नहीं चाहते हैं और देर तक जागते रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं फ़ोन लेके, तो उसमें 12-1 बज जाते हैं और फिर उसकी नींद जो है वो पूरी नहीं होगी। हाँ जी, तो कई बार जो है ये इन्वॉलंटरी होता है कि जिन बच्चों को आप कह लें कि नाक बंद है, स्टफ़ी नोज हो गया, बार बार बीमार रहते हैं, तो अपनी कंडीशन करके वो चैन से सो नहीं पाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि ये दो तरह की कंडीशन है, तो वो उसकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट आएगा और अल्टीमेटली वो बच्चा ठीक से सोएगा नहीं, तो सुबह फिर उठने में भी वही ट्रबल कि नहीं उठना है, लेज़ीपन होगा, पूरा दिन वो टायर्ड फील करेगा, स्कूल में भी टीचर क्या पढ़ाते हैं वहाँ पे फोकस नहीं कर पाएगा, कि माइंड जो अलर्ट रहना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, वो कंसंट्रेशन जो है वो नहीं कर पाता है, और जिस करके आगे जाके भी और प्रॉब्लम्स, उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, नींद पूरी नहीं है, बॉडी क्लॉक आपकी जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, छोटी छोटी बातों में एकदम से जैसे गुस्सा हो जाना, चीज़ें फेंक दी, तोड़ दी, ये बिल्कुल छोटी सी बात थी और एकदम से इरिटेट हो गया, तो ये चीज़ें भी टेंपर टेंट्रम्स जो हैं उसके बढ़ जाते हैं छोटे बच्चों के केस में। एंड उसको एंग्जाइटी इश्यूज, जैसे टीनेज के बच्चे हैं तो उनमें नींद पूरी ना करके एंग्जाइटी इश्यू है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ गई, हाइपर एक्टिविटी बढ़ गई, आ सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इफ़ेक्ट करती जाती हैं। हाँ, वैसे आम देखने को ये मिलता है। हाँ, क्योंकि बच्चे जो है ना, जब पेरेंट्स अगर लेट बैठते हैं तो बच्चे भी उसी तरह बैठ के टीवी वॉच करते रहते हैं या वो अपना खेलते रहते हैं, वो भी कभी नहीं, जितनी देर वो जागते हैं, पेरेंट्स जागते हैं उतनी देर वो भी जागते रहते हैं, और कई दफ़ा ये होता है पेरेंट्स तो फिर भी सो जाएंगे लेकिन बच्चे फिर भी, अगर 2-4 बच्चे हैं घर में तो फिर वो लोग, उनको कंपनी मिल जाती है तो वो लोग जागते रहते हैं, तो वो सो नहीं पाते। इस वजह से ये पेरेंट्स का ही काम है कि वो उनका ये ध्यान रखें कि बच्चे को टाइम से सुलाना है। जी बिल्कुल, अगर जल्दी बच्चे सोएंगे तो जल्दी वो उठेंगे, जागेंगे, फिर टाइम से जागेंगे। एग्जैक्टली, अगर मिल जाए उन्हें तो फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए जाके क्लास में सोते हैं या ऊँगते हैं, क्योंकि उन लोगों को उनकी नींद पूरी नहीं होती, नहीं हो रही, तो इस बात का तो उन लोगों को ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों को आम ये है भी यहाँ पे 6 बजे अगर आप उनको शाम का खाना दे देते हो, सपर ले लेते हैं, उसके बाद में बच्चे जो हैं 8 बजे नहा के अगर वो सो जाएं तो फिर वो ये टाइम बहुत बढ़िया रहता है उनके लिए। जी बिल्कुल, तो सही कहा। तो यहाँ पे इनफ स्लीप, कितनी नींद जो है वो बॉडी को चाहिए, सो करीब करीब अगर स्कूल गोइंग बच्चा है, टीनेज तक की उसकी एज है, तो 9 to 10 आवर्स जितनी नींद है उसकी पूरी होनी चाहिए, ताकि वो डे टू डे अपने फंक्शंस जो है वो नॉर्मली परफॉर्म कर पाए। अब ड्यूरिंग, जब आप डीप स्लीप में हैं, काफ़ी सारे हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स भी रिलीज होते हैं, केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो उस करके पूरा बॉडी जो है वो रिजुवनेट होता है, कह सकते हैं आप। सो नींद में ही ग्रोथ हॉर्मोन भी जो है वो रिलीज होगा, जिस करके उनका ग्रोथ भी इस पर डिपेंड करेगा। सो तभी कहा जाता है कि 9 to 10 आवर्स की स्लीप अगर मिल जाती है तो वो उनके लिए फिर इनफ स्लीप होती है। एटलीस्ट 8 से 10 घंटे जो है ट्राई करें कि वो ठीक से सोता है या सोती है, जिस करके उसको आगे जाके कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और अपनी जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है वो मेंटेन कर पाए। इससे आगे देखें, नींद से आगे अगर हम जाते हैं तो कई बार पेरेंट्स का ये कंसर्न भी होता है कि हाइपर एक्टिव हैं किड्स उनके,
कई बार ये हाइपर एक्टिविटी है वो आपको हो सकता है कि ADD या ADHD के नाम से जो कंडीशन जानी जाती है, जिसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि ये बच्चा कहीं पे भी टिक के नहीं बैठेगा, कभी ये छू लिया, वो छू लिया, वहाँ भागा, वहाँ भागा, स्कूल में भी फोकस नहीं करना और दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट वो नहीं कर पाता, क्योंकि किसी भी जगह पर वो फोकस नहीं कर पाता है। एक चीज़ उसको दी है, थोड़ी देर एक टॉय से उसने खेला, तो फिर वो नहीं चाहिए, कुछ नया चाहिए, हर बार कुछ नया चाहिए, तभी थोड़ी देर 5 मिनट भी वो नहीं खेलेगा और दूसरी चीज पे लग जाएगा। सो ये बच्चे जो है अक्सर सारी जगह पे, स्कूल में, घर में और सोशली कहीं पे भी आप बाहर गए हैं, इन सारे सर्कमस्टेंसेस में अगर इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं तो हो सकता है कि उसको ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। अब ऐसे में उनको ये पता नहीं है कि चलो टीचर कहेंगे कि लाइन अप करना है, दे डोंट नो, उनको ये कंसेप्ट ही समझ नहीं आता है कि लाइन अप करना है, सबसे आगे चले जाएंगे, वो चीज़ अभी चाहिए तो अभी ही चाहिए। ये तो एक एग्जांपल है कि चलो आपने राइटिंग करनी है, रीडिंग करनी है, वो फोकस करेगा तो वो लिखेगा या रीड करेगा, तो ऐसे बच्चों को फोकस करने में ही ट्रबल आती है। अब ये कई बार जेनेटिक भी होता है कि कोई और फैमिली मेम्बर्स को इस तरह की प्रॉब्लम है, तो इन बच्चों में होगी समटाइम्स और भी कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जैसे कि ऑटिज़म वगैरह की प्रॉब्लम है, तो ऐसे बच्चे भी हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। सो ये सारी कंडीशन स्कूल जाने से पहले पहले पता चल जाती है, तो इसको प्रॉपरली जो है ट्रीट मैनेज किया जा सकता है। और मेरे जितने भी पेशेंट्स अर्ली एज में जिन्होंने स्टार्ट किया है ना, उनको मैक्सिमम बेनिफिट हुआ है एज़ कम्पेयर टू के चलो टीन एज में चले गए उसके बाद आप स्टार्ट करते हो। जितना अर्ली पता चले स्टार्ट करें, इसके साथ जो आप थेरेपीज वगैरह करवा रहे हैं वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके अलावा रिपीटेड इन्फेक्शंस के बार बार बीमार रहते हैं कई बच्चे, तो उसके लिए भी जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है इट्स वेरी इफ़ेक्टिव, एंड कुछ ही टाइम में आप देखेंगे कि ये चेन जो है वो ब्रेक हो जाएगी और स्कूल से छुट्टियां लेनी, स्कूल भी सितंबर में स्टार्ट होंगे और अक्टूबर नवंबर का जो वेदर चेंज का टाइम है ना, तभी पहली बार खास करके जो बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, अभी जाना स्टार्ट किया है, डे केयर जाना स्टार्ट किया है, तो दूसरे बच्चों के, दूसरे जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं उन सारों से उनका कॉन्टेक्ट होगा, और तभी छोटी एज में उनका इम्यून सिस्टम जो है वो भी अभी स्ट्रॉन्ग नहीं बना है, वो डेवलप हो रहा है, तो ऐसे में ये इन्फेक्शंस ज़्यादा कैच कर लेते हैं। तो ये जो कोर्स होता है कुछ एक मंथ्स का, वो लेने से उसको फिर आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, एंड साथ ही साथ फिर बार बार बीमार भी नहीं पड़ेगा। सो रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, स्पीच रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, अटेंशन उसका नहीं है, हाइपर एक्टिव है, ऑटिज़म की प्रॉब्लम डायग्नोस हुई है, या कोई भी जैसे नींद की प्रॉब्लम आ गई, स्पीच रिलेटेड इश्यूज़ हैं, सो नवी पुरानी बीमारी वास्ते काव्या होम्योकेयर से आप हमारा कॉन्टेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ जी।